यस टीचर्स, अभी तक आपने क्लासरूम लाइव ऐप मेरे साथ देखा कि कैसे आपने उसमें लॉगिन करना है, डेस्कटॉप साइट को कैसे यूज करना है अपने मोबाइल फोन के ऊपर टू एक्सेस द लाइव क्लासरूम लाइव ऐप एंड इट्स फीचर्स। आपने देखा कि कैसे हम कोई भी क्लास टाइम टेबल अपना वीकली डेली कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे आपने एक असेसमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है, असेसमेंट मतलब बच्चों का कोई आपको स्मॉल टेस्ट लेना है। ठीक है, क्लास टेस्ट है और आपके PT2 है या कोई और एग्जाम है जो आपको कंडक्ट करना है एज एन असेसमेंट। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जो टेस्ट लेना चाहते हैं बच्चों का टू असेस देयर नॉलेज व्हाट दे हैव गेन फ्रॉम द चैप्टर। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको असेसमेंट कैसे क्रिएट करना है और बच्चों को वो असाइन करना है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्वेश्चंस क्रिएट करना सीखेंगे क्योंकि क्लासरूम लाइव ऐप में यहीं पर सब कुछ क्रिएट होता है और आपका एनालिसिस भी आता है। जब आपके बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपको सबमिट कर देंगे, पेपर सारे चेक हो जाएंगे, उसके बाद एक एनालिसिस आएगा कि डिफिकल्टी लेवल कितने बच्चों ने वो परफॉर्म किया है, एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने वो परफॉर्म नहीं किया है, कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन लीव कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हम अभी देखेंगे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम विद मी नाउ टीचर्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने असेसमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है एंड स्टार्ट करना है फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आप लाइव क्लासरूम में जब लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ये असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के ऑप्शन में आपको जाना है यहाँ पर, दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन ओवर हियर, फोर्थ टैब। असेसमेंट में आपके पास तीन चीजें आपको दिखेंगी, शेड्यूल्ड, अंडर इवेल्युएशन एंड कम्प्लीटेड। ठीक है, तो आपको शेड्यूल्ड पर यहाँ पे राइट हैंड साइड पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऑप्शन बटन, दिस इज ग्रीन बटन यू सी ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड, सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऑप्शन। क्रिएट न्यू ऑप्शन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे चीजें देखनी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है आपका सिलेक्ट असाइनमेंट टाइप। आपको कैसा, आपको डेली असाइनमेंट, डेली असेसमेंट है या आपका वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, या किस तरह का असेसमेंट है, तो हम इसको डेली कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप कि आप कैसे क्वेश्चंस डालना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा पेपर है, टेस्ट जो आप ले रहे हैं, असेसमेंट पेपर, वो पूरा ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को चूज करना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसमें ऑटोमेटिक इवेल्युएशन आएगा, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव अपने आप से चेक होकर आएंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मिक्स्ड टाइप। तो मिक्स्ड टाइप आप कब सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, जब आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ही मैनुअल इवेल्युएशन करना होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव विद मैनुअल इवेल्युएशन के लिए आप मिक्स टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं ऑब्जेक्टिव कर लेती हूँ विद ऑटोमेटिक इवेल्युएशन। ओके, नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द क्लास। सो फॉर द क्लास यू सिलेक्ट द क्लास, सपोज आई चूज 9th एंड सिलेक्ट द सेक्शन, सेक्शन ए एंड I have selected. Now I will click on save. Select the subject. Subject आपको drop down list से ही select करना है. Unit, unit आपके अगर आपने unit पहले से कोई बना रखा होगा तो यहाँ पे आएगा. Otherwise you have to type it on your own. So in programming in Python मैं ये वाला select कर लेती हूँ. यहाँ पे ये save का option है. Save पे click करूँगी. Enter title. टाइटल में कर दूंगी मैं कि कुछ भी प्रोग्रामिंग आपका टाइटल इंट्रोडक्शन में ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके देखिए ये आता है सिलेक्ट रिपोर्टिंग क्राइटेरियाज। ठीक है, ये किस लिए होते हैं, ये आप तब सिलेक्ट करेंगे इनमें से। देखो जो भी लास्ट में जो आपका एनालिसिस आएगा, ठीक है, जब आपके पास स्टूडेंट्स का सारा आंसर्स आ जाएंगे, सब पेपर्स चेक हो जाएंगे, फिर एनालिसिस जो होगा वो इन कैटेगरीज पे बेस्ड होगा, इन क्राइटेरियाज पे बेस्ड होगा। सो यू हैव टू, इफ यू वॉन्ट यू कैन सिलेक्ट डिफिकल्टी टैब, लेट्स सिलेक्ट टॉपिक एनालिटिक्स। टॉपिक एनालिटिक्स में वो शो करेगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर पाए और कहाँ हमें वर्कआउट करने की जरूरत है बच्चों को समझाने के लिए। और भी देख लेते हैं यहाँ पर, बस ये दो ही ऑप्शन कर लेते हैं अभी, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा,
अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ रही है। आपने डेली असेसमेंट चूज किया था सेक्शन 9A 9B AI एंड प्रोग्रामिंग पाइथन। जो आप टाइटल वगैरह डालते हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो कुछ भी चीजें अगर इंस्ट्रक्शंस आपको स्टूडेंट को देनी है तो आप यहाँ से देखिए बैक करके आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो यहाँ पर, आपको बच्चों को बताना हो कि पेपर किस तरह का है, या आपको इसमें टाइटल में और कुछ ऐड करना हो, ऊपर हेडिंग डालनी हो कि ये किस तरह का पेपर है, बच्चों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप इसको टाइटल में ऐड करेंगे। ठीक है, टाइटल में ऐड करेंगे जो भी चीज़, वो आप स्टूडेंट्स को दिख जाएगी कि हाँ भाई इस बारे में पेपर है और इतने मार्क्स का है। ठीक है, टोटल मार्क्स जैसे मैंने रखा, टोटल मार्क्स 20, ओके या 10 कर लेते हैं, 10। और राइट, तो अब इसको मैं आगे जाऊंगी, यहाँ से नेक्स्ट करूंगी। तो आप देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना इजी है ये क्लासरूम लाइव ऐप में चीजें करना, आपको क्वेश्चंस यहीं पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। यहाँ पर आप देखिए कोई क्वेश्चन टाइप करेंगे, सपोज मैं यहाँ टाइप करती हूँ व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दिया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं, तो ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स एंटर न्यू ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन डालना है। जैसे मैंने लिखा .pyth, दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ आपको पिंक कलर का, ये देखिए मैं जूम कर देती हूँ, आपको यहाँ पर पिंक कलर का ये दिखेगा, ये एक पिंक कलर का माइनस और ब्लू कलर का प्लस, तो आपको प्लस पे करना है। प्लस पे आप जब करेंगे तो आप देखो यहाँ पर आपका ये ऐड हो गया एज एन ऑप्शन। ठीक है, अब एक और ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको फिर से प्लस पे करेंगे, लेकिन पहले यहाँ टाइप करेंगे, तो टाइप करेंगे यहाँ पर पी वाई, मैं दूसरा ऑप्शन देना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे। प्लस करते ही क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एक सर्कल आ जाएगा रेडियो बटन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फिर से एंटर न्यू ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन में बच्चों को दे देती हूँ PYTHO, ओके, और फिर प्लस पे करूंगी तो थर्ड ऑप्शन हो गया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेरा नन, और फिर प्लस पे करूंगी, तो ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, अब क्या है, अब आपको इसमें से ऑटोमेटिक सिलेक्शन करना है कि ऑटोमेटिक ये चेक हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन एज अ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर मेरा ये है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो जब भी बच्चा इस पे सिलेक्ट करेगा, मतलब इस ऑप्शन को चूज करेगा, तो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको आंसर करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, चलिए अब इसको आपको एक चीज और करनी है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं मैंडेटरी, ये मैंडेटरी ऑप्शन क्या है, ये बच्चों को ये बताएगा कि यहाँ ये क्वेश्चन उनको जरूरी अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ये ऑन कर देते हैं। यहाँ पर एंटर मार्क्स आ रहा है, देखिए यहाँ मैंडेटरी के साथ, ये आपका मैंडेटरी टॉगल बटन है, इसको ऑन ऑफ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एंटर मार्क्स हो गया आपका 1, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया ये वाला आपका। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन में कोई पिक्चर या डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए छोटी सी क्लिप देख रहे हैं, ये अटैचमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई पिक्चर है जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करी है, तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर ऐड होके आ गई है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अगर आप बच्चों को पिक्चर भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इमेज, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट फाइल। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ सेव वगैरह नहीं करना है, अब आगे चलना है। और ये जो है इसको आपने डिफिकल्टी लेवल भी चूज करना है कि इजी है या मीडियम है, तो इजी कर लेते हैं, सिलेक्ट टॉपिक फॉर एनालिसिस, और ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 2 कैसे ऐड होगा, आप राइट हैंड साइड देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्टिव, तो प्लस का साइन आएगा, और फिर आप यहाँ पे इसको एमसीक्यू पे करेंगे तो एक और एमसीक्यू आपका ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए 1 था यहाँ पर, पहला क्वेश्चन था ये वाला आपका, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन,
ऑन द लेफ्ट साइड देखिए 1 2 नंबरिंग आती जाएगी यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट है जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप क्रिएट करो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने बच्चों को कैसे सेंड करना है या कैसे उनकी साइड दिखेगा। ओके टीचर। यस टीचर्स, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ऊपर टॉप पे आपको सेव ऑप्शन मिलेगा पब्लिश। आप सीधे पब्लिश नहीं करना चाहते तो इसको पहले सेव कर लेंगे। तो यहाँ से सेव कर लेंगे तो आपसे ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट टॉपिक एनालिटिक्स 1, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक एनालिटिक्स 1 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको टाइप कर लेंगे, ठीक है। एक एनालिटिक्स टैग इसमें आपको लगाना होगा कोई भी, तो मैं इसमें लिख देती हूँ बेसिक्स और पाइथन, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और ये फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने अप्लाई किया तो बेसिक्स ऑफ पाइथन यहाँ पे सेव हो गया। आपको ये हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा सेलेक्ट टॉपिक एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको यही एक ही लिखकर इसको अप्लाई करना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आप यहाँ पर इसको एड पे इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने बनाया होगा उस पर आप अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस में ये एनालिटिक्स का रिपोर्ट के लिए आपको सिलेक्ट करके लिखना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, तो अब ये सेव आ जाएगा। अब ये बोल रहा है देखिए जो भी चीज आपने नहीं करी होगी ना, जरूर आपको बोलेगा कि डिफिकल्टी टैग 3। अब देखिए डिफिकल्टी टैग आपने किसी में अगर मेंशन नहीं किया होगा, जैसे मैंने इसमें किया है, ये किया है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, तो इसको मैं मीडियम कर लेती हूँ, ठीक है। 4 में मैंने मेंशन किया है, 5 में भी मेंशन किया है, फिर मैं इसको सेव करूँगी। अब देखिए फिर से ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर। देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो सब कुछ ही आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सही आंसर करेक्ट आंसर सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर कर लूंगी इजी, ठीक है। और फिर इसको हम सेव करेंगे। अब देखिए अब ये सेव हो गया, ठीक है। तो जब ये सेव हो जाएगा तो आपको कहाँ पर जाना है, फिर आपको ये शेड्यूल्ड में क्लासेस 9th ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए सब्जेक्ट AI All units. Teachers, जब आप उसको सेव कर देंगे असेसमेंट को, तो आप यहाँ देखेंगे शेड्यूल्ड में असेसमेंट ऑप्शन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में आपके ऊपर बस एक्टिव 0 दिखा रहा है, ड्राफ्ट 1। तो ड्राफ्ट पे आपको जाना है एंड देन यू कैन सी आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है उनके लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे एडिट एंड पब्लिश ऑप्शन पर आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड। एडिट एंड पब्लिश पे जाएंगे तो आप एडिट भी कर सकते हैं और फिर यहीं से इसको हम पब्लिश करेंगे। तो ये वही सेम आ गया, कुछ एडिटिंग आपको करनी है एडिटिंग कर देंगे। और मैं यहाँ पर इसको 5 मार्क्स का कर देती हूँ क्योंकि मैंने 5 मार्क्स का ही बनाया ये पेपर। तो उसके बाद नेक्स्ट पे करूँगी, मुझे कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करने हैं और फिर मैं अब इसको सीधा पब्लिश कर दूंगी। तो पब्लिश करने के लिए मैं यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन है राइट हैंड साइड एट द टॉप देखिए, तो यहाँ पर पब्लिश कर दूंगी। तो ये पब्लिश के बाद यहाँ देखिए सेट एग्जाम डेट टाइम एंड ड्यूरेशन, अब ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हो 9th AB के यहाँ पे 95 स्टूडेंट्स को ये रिसीव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जाए तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट बटन आ रहा है। और आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को ना पहुंचे, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर रिसीव हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल ऑप्शन को हटा देंगे। और जैसे कि मुझे यशिका पारुल पालकी गौरव बस इन बच्चों को देना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इनको। तो सिलेक्शन आप जरूर कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको क्लासरूम लाइव जरूर देता है, ठीक है। तो अभी तो मुझे सब बच्चों को भेजना है ऑल 95 स्टूडेंट्स को, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन ही रहने दिया है,
अब मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, ठीक है, एक तो ये हो गया, और अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगी। तो पब्लिश करने के लिए पब्लिश पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे सेट एग्जाम डेट टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए मैं इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगी, और मुझे एग्जाम का टाइम और डेट सिलेक्ट करना है। तो मैं आज ही की डेट रखती हूँ 7 जनवरी, और अभी मेरे पास टाइम है तो मैं 7 o'clock का टाइम रखती हूँ इनके लिए। तो आप देखते हैं इसको 7 o'clock आपको कैसे डालना होगा, यहाँ पे PM, और यहाँ पर आपको 7 o'clock के लिए 19 hours टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं ये किस फॉर्मेट में ले रहा है। ओके, ये 7 o'clock के फॉर्म में टाइम ले लेगा, तो 7 PM पर ये एग्जैक्टली एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आवर्स का है ये, हम इसको 0 hours और मिनट्स का कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा पेपर है, तो इसको हम 20 मिनट्स का कर लेते हैं, ठीक है। ये 20 मिनट्स हो गया, आवर्स होगा तो यहाँ पे आवर्स आ जाएंगे, यहाँ मिनट्स। अगर 1.5 hour होगा तो आप ऐसे लिखोगे 01 और यहाँ पे 30, तो ये 1.5 hours का हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 hour हो गया, लेकिन अभी मुझे ये सिर्फ 30 मिनट्स का रखना है, तो मैं इसको 30 मिनट्स का ही रखूंगी। उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगी, तो कंफर्म में क्लिक करते ही ये बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट टाइम। ओके, डेट मैंने कर लिया है, टाइम मैंने कर लिया है, और यहाँ पर इसको हम 01 लिख लेते हैं, 7 o'clock और 1 minute, और फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप 7 o'clock एग्जैक्ट रखेंगे तो ये नहीं ले रहा है, इसको मिनट्स भी देना पड़ेगा, तो यहाँ तक याद रखिए। अगर आप 7 o'clock का एग्जाम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 7:01 टाइम रखेंगे या 6:59 PM रखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं पब्लिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया है, अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है और अब ये पब्लिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं असेसमेंट पब्लिश सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। अब अंडर इवैल्यूएशन में जब आप जाएंगे, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, जब बच्चे इसको करेंगे, करके दे देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पब्लिश डेट आ रहा है और यहाँ पर टाइमिंग्स भी शो कर रहा है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट एंड पब्लिश द असेसमेंट। अब हम नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि बच्चे जब इसको करना स्टार्ट हो जाएंगे पेपर को, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। ओके ओके टीचर्स, टीचर्स देखिए, जैसे ही आप ये आपका ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं मेरा अब ये टाइम कैसे स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ देखेंगे आंसर शीट रिसीव्ड, आपको आंसर शीट रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी, मुझे 3 आंसर शीट रिसीव हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जाऊँगी, अंडर इवेल्यूएशन में ही रहूँगी अभी। अभी देखिए 4 रिसीव हो गई हैं, ठीक है, ये काउंट बताता जा रहा है, जो बच्चे अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उनके ये काउंटिंग बढ़ाता जाएगा। अभी 4 स्टूडेंट्स ने ये स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो टीचर्स ये देखिए शीट्स मेरे पास रिसीव हो गई हैं, आंसर शीट्स। आपको यहाँ पे नीचे इवेलुएट का ऑप्शन आएगा, इवेलुएट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट किया है यहाँ पर, अभी मैंने इवेलुएट नहीं करी है कॉपी, ठीक है। ये अपने आप से देखिए दिखाएगा, अनुष्का राइट हैंड साइड देखिए, ए अनुष्का आ रहा है, मार्क्स ऑब्टेंड 4 out of 5, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्टेड 5। तो आप यहाँ पे फीडबैक नोट उसके लिए लिख सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। अब फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसके आंसर्स देख सकते हैं, कौन सा उसने गलत किया है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा बच्चा है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आते जाएंगे, और देखिए इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्टेड और कौन सा उसका करेक्ट है कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इवैल्यूएशन देख सकते हैं बच्चों का, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आते जाएंगे और यहाँ से आपके स्टूडेंट्स आते जाएंगे जो भी अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है, कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है आपको यहाँ से दिख जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड मार्क्स ऑब्टेंड। तो ये इस तरह से आप इवैल्यूएशन, ये ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन हो रहा है, अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं असेसमेंट में, असेसमेंट में हम ड्राफ्ट में ही जाएंगे, अंडर इवैल्यूएशन में जाएंगे। अंडर इवैल्यूएशन में अभी मेरी 7 स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इवैल्यूएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये चल रहा है मेरा एग्जाम, अभी इसका टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है, 30 मिनट्स मैंने बच्चों को दिया था टाइम।
यस टीचर, इवेल्युएशन में यहाँ देखिए आपको जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चा नजर आ रहा है चिराग, चिराग में लिखा है टू बी इवेल्युएटेड। अब आप उसके देखिए क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं 5, लेकिन अभी उसके मार्क्स हैं 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नेक्स्ट करके आप उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे आप फीडबैक लिख दीजिए, नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज ही हैज नॉट गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कमेंट में, उसको फीडबैक दे दिया है नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये करके आप इसको सेव पे करेंगे, जैसे आप सेव करेंगे चिराग को आपका ये मैसेज नजर आ जाएगा। ठीक है, तो सेव पर मैंने किया और उसका इवेल्युएशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आ गया टू कॉपीज इवेल्युएटेड। और यहाँ पे आपको जो भी इवेल्युएट आप कर दोगे, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे ये देखो आपको शो करेगा कि अनुष्का और चिराग के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, चिराग के 1 मार्क्स हैं, अनुष्का के 4 मार्क्स हैं और ये इवेल्युएशन फिनिश हो चुका है इन दोनों का। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अभी इतने सारे आ रहे हैं, जब मैं आयुष का करूंगी आपको एक और करती हूँ। आयुष दुबे आ रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने किए हैं 5 और 3 उसके करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं फेयर वर्क, ठीक है, एवरेज मार्क्स है और इसको मैं सेव कर दूंगी। यहाँ से मैं पहले देख लूंगी कि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ही हैज अटेम्प्टेड, तो सेव पर मैं करूंगी। सेव पर करने से यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया है, 3 कॉपीज इवेल्युएटेड और आयुष दुबे की कॉपी मुझे यहाँ पर दिख जाएगी ये लास्ट में, आयुष दुबे 3 मार्क्स। राइट, तो इस तरह से आप ये इवेल्युएशन बच्चों का कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी। सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने इवेल्युएशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव का बताऊंगी, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको क्रिएट करना बताया है। ओके, थैंक यू टीचर्स, आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू टू क्रिएट योर स्मॉल टेस्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू।